أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वहलुल उग़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दर्स में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 187 और उससे क़बल जितने आयात थे उसके हवाले से गुफ्तगू की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान मुबारक और माह और रोज़ों से मुतालिक ज़िक्र अहकाम इरशाद फरमाए, दुआ के मुतालिक अहकाम इरशाद फरमाए। अब अल्लाह जल्ल शानहु ने इन आयात तैयबा में माल के हवाले से अहकाम बयान फरमाए और इरशाद फरमाता है कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली, ए लोगो तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। तो चूँकि रमज़ानुल मुबारक में इंसान के नफ्स की तहजीब होती है, तरबियत होती है, तज़किया होता है, तो रमज़ानुल मुबारक में उन हलाल चीज़ों को भी छोड़ देता है जो आम दिनों में उसके लिए जायज़ होती है। तो ये सारी की सारी मश्क कराई गई थी इंसान को हलाल हराम से बचने के लिए। अब उस मश्क से जो इंसान को फ़ायदा हासिल होता है उसके हुसूल का अब हुक्म दिया जा रहा है कि तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ, क्योंकि तुम लोग अब मश्क कर चुके हो, तुम अल्लाह के हुक्म पे हलाल को भी छोड़ चुके हो, तो अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी पूरे साल जो है अब तुम्हें हराम से भी बचना है। तो यहाँ पर फरमाया कि बातिल तरीके से एक दूसरे के माल ना खाओ, तो इसके अंदर हर तरीके से जो भी नाजायज़ गलत तरीका है, खा चोरी के ज़रिए हो, डाका जनी के ज़रिए हो, सूद के ज़रिए, जुए के ज़रिए, किसी हराम हराम कमाई के ज़रिए, जिना के ज़रिए, गुनाह के ज़रिए, गाने गाकर जो शरीयत में ममनू काम है, नाच के ज़रिए, जिस तरह से भी माल इंसान हासिल करे जो नाजायज़ तरीका, वो सब का सब बातिल तरीके से माल कमाना है। तो अल्लाह जल्ल शानहु ने इस आयत तैयबा में मुसलमानों को मना फरमा दिया और फरमाया कि वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और ना तुम हाकिमों के पास उनका मुकदमा ले जाओ, लिताकुलू फरीकन मिन अमवाली नास, ताकि तुम लोगों के माल में से कुछ हिस्सा खा लो, बिल इस्मी गुनाह के ज़रिए, वान तुम तालमून, दरहाल ये कि तुम सब कुछ जानबूझ के करते हो। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास वजाहत भी फरमा दी कि बाज़ लोगों का तरीका ये होता है कि वो माल को लेने के लिए हुकाम से अपने रबते रखते हैं और हुकाम के यहाँ पर जाके दावे कर देते हैं झूठे झूठे दावों को, क्योंकि वो सब सच्चा साबित करने के लिए हुकाम को मिला लेते हैं, और जिस बंदे के ख़िलाफ़ दावा किया जाता है या जिससे माल लेना होता है उसके पास वो कानूनी पूरे तौर पे वो कार्रवाई को पूरा नहीं कर पाता, उसके पास ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके ज़रिए सामने वाले की बात का इनकार कर सके, या हाकिम वक्त के साथ मिलकर जो है किसी भी तरीके से सामने वाले लोगों से अपने माल को हड़प करते हैं, तो इसमें रिश्वत की सूरत भी शामिल है तमाम के तमाम। तो अल्लाह जल्ल शानहु ने इससे भी मना फरमा दिया और उलमा ने बाकायदा रिश्वत के हवाले से इसी आयत तैयबा से इस्तदलाल किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्वत को भी हराम फरमाया, तो वो भी अकल बिल बातिल है, बातिल तरीके से लोगों का माल खाना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यस अलूनक अनिल अहिल्ला, ए हबीब अलैहिस्सलाम, वो आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं, हिलाल के बारे में पूछते हैं। तो ये आयत तैयबा हज़रत माज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु और एक दूसरे सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से नाजिल हुई कि उन्होंने एक मरतबा अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम चाँद को देखते हैं कि इब्तदाई तारीखों में ये बिल्कुल बारीक होता है और उसके बाद बढ़ जाता है, फिर पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद बारीक होकर फिर गुम हो जाता है, तो इसका क्या हिकमत है? तो अल्लाह जल्ल शानहु ने उसके जवाब में आयत तैयबा नाजिल फरमाई कि आपसे ये चाँद के बारे में पूछते हैं, तो उन्होंने तो चाँद के घटने बढ़ने की हिकमत दरियाफ्त की थी, लेकिन जो लोगों के लायक है, जो काम की बात है, अल्लाह तबारक तआला ने वो बयान फरमा दी। कुल हिया मवाक़ीतुल लिन्नास वल हज, ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ये वक्त की अलामतें हैं, चाँद का घटना और भटना बढ़ना और हज की अलामत है। मुराद ये कि चाँद अहले इस्लाम के लिए उनके माह अय्याम सालों को बताता है,
चांद ही के ज़रिए हज के अय्याम मुतय्यन किए जाते हैं, चांद ही के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक के रोज़े शुरू किए जाते हैं, चांद ही पे माह रमज़ान मुबारक के रोज़े ख़त्म किए जाते हैं, ईदेन भी सब के सब चांद से मुतअल्लिक़ हैं। इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं, इद्दत के मामलात हैं, दूध बच्चे के दूध छुड़ाने के मामलात, तो चांद के ज़रिए गिनती करके ये सारे के सारे मामलात किए जाते हैं। और ये भी अल्लाह ताला की अजीब कुदरत है कि दूसरे कैलेंडर दूसरी तारीखों को देखने के लिए कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला ने चांद की सूरत में एक अजीब गरीब जंतरी जो आसमान पर फैला दी है कि इंसान आम बेपड़ा लिखा आम आदमी भी जब चांद को देखता है तो जब दुबला पतला होता है चांद बारीक होता है तो उससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इब्तदाई तारीखों का चांद है, और जब आधा महीना गुजर जाता है तो चांद पूरा आबोताब के साथ चौदहवीं का चांद हो जाता है और मालूम हो जाता है कि अब आधा महीना हो गया। फिर जब चांद घटना शुरू करता है तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि महीना अब ख़त्म हो रहा है, और जब गायब हो जाता है तो पता चल जाता है कि महीने का इख्तिताम है। तो अल्लाह तबारक ने यह हिकमत इसमें बयान फरमाई और ख़ास तौर पर हज का जिक्र कर दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक आगे हज के अहकाम को बयान फरमा रहा है। फरमाई के लई सल बिर्रु बियन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलकिन्नल बिर्र मन इत्तका, नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ। असल में बात ये थी कि अरबों में यह आदत थी कि जब वो लोग हज का अहराम बांध लिया करते थे तो उसके बाद फिर वो दरवाज़ों से घरों में दाखिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि घरों की दीवार पीछे से तोड़कर या छत कूद कर वो दाखिल हुआ करते थे, और उसको ये अपने ज़ोम में नेकी ख्याल करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस गलती को दूर फरमा दिया और फरमाया कि ये कोई नेकी की बात नहीं है कि तुम दरवाज़ों से दाखिल होने के बजाय दीवारों को तोड़ के पीछे से दाखिल हो। फरमाया कि नेकी वलकिन अल बिर्र मन इत्तका, बल्कि नेकी तो ये है कि आदमी परहेजगारी इख्तियार करे, अल्लाह का डर इख्तियार करे, और अल्लाह का डर इख्तियार करके अल्लाह के अहकाम पर अमल करे और गुनाहों को छोड़ दे। अपने ज़ोम से किसी चीज़ को अच्छा समझ लेना, उसको करना शुरू कर देना, ये कोई नेकी की बात नहीं। जैसे कि आम तौर पे लोगों को देखा है कि वो अपने ही दिल में कोई एक नेकी घर लेते हैं और समझते हैं बड़े नेक काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है उसके ऊपर पाबंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम किस्म के ख्यालात को रद्द फरमा दिया है, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान जो है अपनी अक़ल के ज़ोर पे, अपनी अक़ल की ताकत पे तो उसको नेकी समझता, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में वो नेकी नहीं है। मसलन बाद लोगों को देखा गया कि वो लोग चूहे भी पाल रहे हैं, छिपकलियाँ भी पाल रहे हैं, और उनको दाने भी खिला रहे हैं, उनको ग़िज़ा भी दे रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हम एक मखलूक को जो है उसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, मखलूक की खुराक दे रहे हैं, तो हम नेकी कर रहे हैं। हालाँकि कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक देखा जाए तो बिलाशुबा ये मखलूक तो हैं, मगर ये वो मखलूक है कि जिनके बारे में फरमाया गया कि ये फासिक है, इनको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। तो हमारी अक़ल की बुनियाद पर कोई नेकी नेकी नहीं होती, बल्कि नेकी वही होती है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हमें मालूम हो। तो फरमाया कि वह आतुल बयूत मिन अबवाबिहा, तो अपने खाम ख्याली को छोड़ो और घरों में अगरचे तुम अहराम की हालत में हो, घरों के दरवाज़ों से दाखिल हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम लोग फलाह पा जाओ। तो यहाँ पर यह भी वजाहत कर दी गई है कि फलाह व कामरानी अल्लाह तबारक तआला के डर में है, परहेजगारी में है, हमारी अपनी अक़ल की पैरवी में नहीं है, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में नहीं है। फिर अल्लाह तबारक तआला इसके बाद जिहाद के बारे में आप अल्लाह तबारक तआला अहकाम बयान फरमाएँ, और जिहाद के ये अहकाम आयत नंबर 190 से लेकर तकरीबन 195 तक जिहाद के अहकाम है। इसकी मैं तदबीक में अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने पहले माह रमज़ान मुबारक को बयान फरमाया, और माह रमज़ान मुबारक में इंसान अपने नफ्स से जिहाद करता है, फिर वो माह रमज़ान मुबारक की तरबियत लेकर इंसान फिर पूरे साल उस तरबियत के ज़ोर पर बातिल गुनाहों से बचता है, तो वो भी जिहाद बिन नफ्स की सूरत है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने हज के अहकाम बयान फरमाए, तो हज भी एक बड़ी नेकी है जिसमें मुशक्क़त भी इंसान को उठानी पड़ती है, अपने माल को भी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर जिस्मानी जिहाद के साथ साथ अपने माल का भी जिहाद पाया जा रहा है। तो ये सब का सब जिहाद अकबर था कि जिहाद बिन नफ्स, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये जिहाद अकबर है, ये बड़ा जिहाद है, और बल्कि दुश्मन से जो जंग की जाती है अल्लाह तबारक तआला के नाम पर या इस्लामी मकासद के लिए, तो उसे जिहाद असगर करार दिया गया। तो जिहाद अकबर के बाद अब जिहाद असगर का बयान हो रहा है, और फरमाया गया कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम वला तअतदू,
اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں اور تم حد سے نہ بڑھو۔ یہ آیت طیبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استفسار پہ نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے سن 6 ہجری میں، تو اہل مکہ نے کفار قریش نے ان کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا اور پھر معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ 3 دن کے لیے آئیں گے اور پھر عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ عمرے پہ جانے سے پہلے خیالات آئے تھے کہ ہم لوگ تو جا رہے ہیں عمرے کے لیے اور ہمارے پاس تو سامان جہاد بھی نہیں ہے، تو اب اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وضاحت کر دیے کہ اگر دشمن تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو، لیکن اس میں حد سے نہ بڑھنا۔ حد میں نہ بڑھنے سے مراد یہ کہ جو قتال کر رہا ہو، جو جنگ کر رہا ہو، اسی سے جنگ کی جائے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص ہدایت ہے تمام مسلمان لشکروں کو، جب بھی آپ بھیجا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا کرتے تھے کہ تم نہ کسی عورت کو مارنا، نہ کسی بوڑھے کو مارنا، نہ کسی عبادت گزار کو مارنا، نہ بچوں کو قتل کرنا، نہ کھیتیوں کو جلانا، نہ مکانات کو ڈہانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ بھی حکم دیا اور فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی جو اس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور تم ان کو قتل کرو جہاں پر تم ان کو پاؤ۔ تو یہ بھی اسی بات کی وضاحت ہے کہ مکہ معظمہ تمام عرب کے اندر مقدس شمار کیا جاتا تھا اور مکہ معظمہ میں قتال وغیرہ کفار بھی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ لوگ مکہ معظمہ میں ہم سے قتال کرے اور حرم کی حرمت کو چھوڑ دیں تو کیا ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں؟ کیا ہم لوگ حرم کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جواب نہ دیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وقتلوہم، تم بھی ان سے قتال کرو، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، یعنی اگر مکہ معظمہ میں اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان کو پھر ان سے جنگ کرو۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّن حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور تم ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو آئندہ کے لیے بھی حکم بیان فرما دیا کہ اگر یہ کیفیت آ جائے کہ جنگ ہو جائے اور تمہیں جنگ پہ وہ مجبور کر دیں مکہ معظمہ میں، تو پھر ان سے جنگ کرو، اور اگر تم سے بن پڑے اور تمہیں اللہ غلبہ عطا فرمائے تو تم ان کو مکہ معظمہ سے نکال دو جس طرح کہ انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی تھی کہ مکہ معظمہ امن کی جگہ ہے، اور امن کی جگہ وہاں پر تو کسی مجرم کو بھی سزا نہیں دی جاتی ہے، تو پھر یہاں پر مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو کیوں اجازت دی گئی کہ ان سے قتال کریں؟ تو اس کی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ والفتنہ تو اشد من القتل، اور فرمایا کہ فساد تو قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور فساد یہ تھا کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکا، مسلمانوں کو عبادت کرنے کے دوران ان سے قتال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قتل سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اب یہاں پر مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تم مسجد حرام کے قریب ان سے قتال مت کرنا، یعنی مکہ معظمہ جو 23 کلومیٹر کا ایریا ہے سارا کا سارا، جسے حرم شریف کہا جاتا ہے، تو وہاں پر تم قتال نہ کرنا جب تک کہ وہ تمہیں مجبور نہ کر دے، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ تمہیں اس میں قتال کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے وہاں پر قتال کریں تو اے مسلمانوں پھر تم بھی ان سے قتال کرو، وہ تمہیں قتل کرے تو پھر جواباً تم بھی ان کو قتل کرو۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ابتدان مسجد حرام کے ارد گرد قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ ایک صورت بتائی ہے کہ اگر وہ تمہیں ایسا کرنے پہ مجبور کر دیں تو بعد نخواستہ اب تمہیں ان سے قتال کرنا ہی پڑے گا۔ کذلک جزاء الکافرین، تو اسی طرح بدلہ ہے کافرین کے اعمال کا، تو کافر اگر تم سے وہاں پہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر ان سے بھی جنگ کی جائے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن تَهَوْا، بس یہ لوگ اگر باز رہیں، یعنی شرار سے باز آ جائیں، تم سے جنگ نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں اور کفر کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو وہ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔
مزید ارشاد فرمائے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً، اور تم ان سے قتال کرو حتیٰ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ بچے، فتنہ باقی نہ بچے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کر دی ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت کو بھی بیان فرما دیا کہ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ کے دین کا پرچار کرنا. وہ انسانیت جو ظالم اور استعماری طبقے کے ہاتھوں میں پسی ہوئی ہے، یہ ظالم اور استعماری طبقہ جو لوگوں کو آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے نہیں دیتا، ان طبقے کے خلاف جہاد کیا جائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ کے بارے میں غور کرنے کا موقع ملے، سوچنے کا موقع ملے. کیونکہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام نے اپنے لوگوں کو یہ معاش کے چکر میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ وہ لوگ اس سے نکل ہی نہیں پاتے. پھر جو ٹائم ان کے پاس بچتا ہے ان کو عیاشیوں میں لگا دیا ہے تاکہ مقصد کی طرف آئے نہ، ایک جانور کی طرح وہ لوگ بس زندگی گزاریں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا یہ مقصد بھی بیان کر دیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جن کو ظلم و ستم کے ذریعے زبردستی ان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیا گیا ہے، تو اس استعماری طبقے سے لوگوں کو آزاد کرا دیا جائے تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور اللہ کا دین وہاں پہ پھیل جائے. فرمایا کہ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی فتنہ بازی سے باز آ جائیں، قتال سے باز آ جائیں. تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی کہ مسلمانوں کو خامخواہ کسی سے جھگڑا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، قتال کا حکم نہیں دیا گیا. یہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا. فرمایا کہ فَإِنْ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں اپنے فتنہ بازی سے، مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر ان پہ کوئی سختی نہیں ہے، کوئی ان پہ زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو فتنہ پھیلانے والے ہیں. پھر ارشاد فرما کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، فرما کہ ماہ حرام کے بدلے میں ماہ حرام، والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے میں ادب. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گزشتہ بات کی طرف بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہیں حج کے مہینوں میں، مسلمان عمرہ کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں آئے تھے سن 6 ہجری میں، اور رجب کا مہینہ بھی اہل مکہ کے نزدیک، اہل عرب کے نزدیک مقدس مہینہ تھا، جو عمرے کا مہینہ تھا، جس میں کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تھا، مسافروں کو چھیڑا نہیں جاتا تھا، اور جو لوگ عمرے کے لیے آتے تھے ان کا احترام کیا جاتا تھا، عبادت کی جاتی تھی. تو ان لوگوں نے چونکہ شہر حرام میں مسلمانوں کو منع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے شہر حرام میں مرا گیا، ہم تمہیں شہر حرام ہی میں عمرہ کرنے کے لیے اب وہاں پہ داخل کر رہے ہیں. والحرمات و قصاص، اور ادب کے بدلے میں ادب ہے. تو اب وہاں پر انہوں نے ادب کو پامال کیا، اب وہاں پہ ادب کو بجایا لایا جا رہا ہے. فرمایا کہ فمن اعتدى علیکم، بس جو کوئی بھی تم پہ زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو کہ جتنی اس نے تم پر کی ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفاقی اصول بھی بیان کر دیا ہے کہ جب کسی پہ کوئی زیادتی ہو جائے تو انسان غصے میں حد سے نہ گزر جائے، کہ اس کو اس کی جان لینے کے تیار ہو جائے. اگر کوئی زیادتی کرتا تو اتنی تو آپ بدلے کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ زیادتی کریں گے تو پھر آپ خود گناہگار ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ حد سے نہیں بڑھتے وہ تقویٰ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ غیر متقین ہیں. فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب چونکہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان فرمائے کہ وہ فرض ہوتا ہے بعض صورتوں میں، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے. تو چونکہ جہاد کرنے کے لیے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مالی وسائل نہ ہو تو بندہ جہاد بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض مواقع پہ باقاعدہ صحابہ کرام سے چندے کی اپیل فرمائی، اور ان سے جہاد کے لیے مال کو جمع کیا، خاص طور پہ غزوہ تبوک میں. تو بہت اعلیٰ قسم کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے انفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر نہیں خرچ کرو گے
तो गोया तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालोगे। तो हलाकत में डालने से मुराद ये कि तुम जिहाद के लिए जब खर्च नहीं करोगे, मुसलमान जिहाद नहीं कर पाएंगे, जिसके नतीजे में बातिल ज़ोर पकड़ जाएगा, और जब बातिल ज़ोर पकड़ जाएगा तो मुसलमानों पर गलबा कर जाएगा और मुसलमानों को उनके दूर से दीन से जुदा कर देगा। तो अल्लाह ताला फरमाता हुआ अहसिनू, और भलाई वाले हो जाओ, यानी नेक काम करने वाले हो जाओ, या अल्लाह की राह में जिहाद करना और जिहाद में अपने माल को खर्च करना, ये तमाम का तमाम नेकी है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला भलाई करने वालों को और नेकी करने वालों को महबूब रखता है। अब इस आयत तैयबा के बाद ये आयत नंबर 195 तक अल्लाह ने जिहाद के अहकाम बयान फरमाए, फिर हज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। चूँकि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि ये जिहाद के अहकाम उम्रे के हवाले से आए थे कि मुसलमान उम्रे पे जाना चाह रहे थे तो सहाबा किराम ने सवाल किए थे इस किस्म के कि अगर कुफार हम पे हमला करे, हमें रोके, तो हमें क्या करना है। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दरमियान में जिहाद के अहकाम बयान फरमाए और उसके बाद फिर दोबारा हज और उम्रे के अहकाम बयान फरमाए और फरमाए कि वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, तुम अल्लाह के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। यहाँ पर तकरीबन आयत नंबर 103 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज और उम्रे के मसाइल बयान फरमाए। तो उस पर इब्तिदा यूँ की जा रही है कि तुम अल्लाह के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, यानी जब तुम हज या उम्रे का अहराम बांध लो तो अब उसमें सुस्ती ना करो। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि हज और उम्रे में इंसान को दिक्कतें पेश आती है, एक तो सफ़र की सहूबत होती है, फिर जो लिबास को पहनने की आदत है वो लिबास नहीं होता, जिस जगह पे उस पर रहने की आदत है उसको वो जगह नहीं मिलती, इंसान की आदतों में अगर तब्दीली आए, खिलाफ आदत उसको काम करना पड़े, वैसे भी इंसान का नफ्स उस पर एहतजाज करता है। तो ये हज व उम्रे में एक तरह की आजमाइश होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि तुम हज व उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नफ्स तुम्हें अपनी आदतों की वजह से तुम्हें हज व उम्रे से मना कर दे। और माज़ल्ला ये भी बाज़ों का सुना गया है कि लोग हज के लिए जाते हैं और वहाँ पर इश्तहाम अज़ीम देखते हैं तो वो लोग घबराहट का शिकार हो जाते हैं। माज़ल्ला बाज़ लोग उसी हालत में हज व उम्रे को मुकम्मल किए बगैर वापस भी लौट आते हैं। तो यहाँ पर वजाहत कर दी गई है। फिर मज़ीद फरमाया जा रहा है फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हज, बस अगर तुम रोक लिए जाओ तो तुम्हें जो भी क़ुरबानी का जानवर मैसर है उसको क़ुरबान कर दो अल्लाह की राह में। यहाँ पर एक हुक्म बयान किया गया कि मुसलमान जब अल्लाह की राह में हज के लिए निकले या उम्रे के लिए निकलें तो फिर अगर उनको किसी वजह से रोक लिया जाए, रास्ता बंद हो या अहराम बांध के निकले हैं, दरमियान में समंदरी रास्ता है तो तूफ़ान आया हुआ नहीं जा सकते, या यह है कि जहाज़ वगैरह आपकी सीटें नहीं मिल रही हैं आप नहीं जा पाते हैं, या दुश्मन सामने आ गया है, किसी वजह से भी रास्ता कठिन हो गया है, या किसी जालिम ने रोक लिया है, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने उसका हुक्म बयान फरमाया कि चूँकि तुमने इबादत के लिए अहराम पहन लिया था तो अब ऐसे ही नहीं है कि अपने कपड़े उतार दोगे, आप कह दोगे मैंने हज ख़त्म कर दिया, उम्रा ख़त्म कर दिया, बल्कि उसका हुक्म यह है कि पहले हर बैतुल्ला शरीफ में यानी मक्का मुअज़्ज़मा में क़ुरबानी का जानवर भेजेंगे, वहाँ पर वो क़ुरबानी का जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिया जाए आपकी तरफ से, तो फिर आपको इजाज़त होती है कि अपने अहराम को खोल दें। तो फरमाया कि वला तहलिकु रऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, और तुम अपने सरों को ना मंडवाओ जब तक के कुर्बानी अपने मुकाम को ना पहुँच जाए। तो यहाँ पर आजकल ये मामला बहुत आसान है, अगर खुदा न खास्ता किसी को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, उसमें शदीद बीमारी की सूरत भी शामिल है कि अगर हज उम्रे के अब मनासिक के अदा करने से कासिर हो गया, ऐसा बीमार हो गया और कोई करवाने वाला भी नहीं है, तो इंसान ऐसी सूरत में भी अगर लौट के आ जाता है तो वहाँ पर किसी जानने वाले को कह दे कि मेरी जानिब से आप हदूद हरम में कोई जानवर ज़बह कर दें, जब वो कर दे तो उसके बाद फिर आप अहराम खोल दें, अपने सर को मंडवा लें या कसर कर लें। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिरासिही फफिद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। तो अल्लाह तबारक ने एक और हुक्म बयान फरमाया, पहले तो ये था कि आपको हज उम्रा करने नहीं दिया जा रहा तो उसको दमे एहसार कहते हैं। अब एक सूरत ये होती है कि अहराम की बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं जिसमें इंसान को बहुत सारे काम करने मना हो जाते हैं, लेकिन अगर मर्ज़ की हालत में है, मसलन मुहर्रम को आम कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है लेकिन मर्ज़ ऐसा है कि सर्दी लग रही है, ठठरा जा रहा है, तो उसमें यह है कि इंसान उस मजबूरी के आलम में कपड़े तो पहन सकता है मगर उसको दम देना पड़ेगा, या सर में फोड़ा निकल आया
बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो गई है और अहराम की हालत में आप बाल नहीं कटवा सकते, तो अब आपको मजबूरी है कि बाल कटवाने पड़ेंगे उस फोड़े की वजह से, उस शरीर ख़ारिश की वजह से, तो फिर उसके लिए आपको जुर्माने के तौर पे दम देना पड़ेगा, जानवर दबा करना पड़ेगा, या उसकी दूसरी सूरत बयान फरमाई कि आपको 3 रोज़े रखने पड़ेंगे या सदका करना पड़ेगा। तो फरमाया कि तुम में जो कोई मरीज़ हो या उसको कोई तकलीफ़ उसके सर में हो, फ़िदयतुम मिन सियाम, तो वो फ़िदिये के तौर पर 3 रोज़े रख ले, और सदक़तिन या सदका दे, और ये 6 मिसकिनों का खाना होता है, और नुसुक या ये कि क़ुरबानी करें। फ़ाइदा अमिनतुम, बस तब तुम इत्मीनान की हालत में हो, फमन तमत्ता बिल उमरति इलल हज, तो बस जो कोई उम्र के साथ हज का भी फ़ायदा उठाना चाहता है, फमस्तैसरा मिनल हज, तो जो भी उसको क़ुरबानी का जानवर मैसर है वो कर दे। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज तमत्तो या हज किरान के बारे में हुक्म इरशाद फरमाया है। यहाँ पर मैं वजाहत कर दूँ कि हज की 3 किस्में हैं। एक तो हज इफराद होता है कि जिसमें सिर्फ़ सिर्फ इंसान हज का अहराम बांधता है, और एक हज तमत्तो होता है कि अशहर हज में, हज के महीने में इंसान पहले उम्रा करता है, उसके बाद फिर बाद में फिर उम्र का अहराम खोल कर फिर हज की तारीख में हज का अहराम बांध लेता है, इसे हज तमत्तो कहते हैं। और एक ये होता है कि एक ही मरतबा में हज और उम्र का अहराम एक साथ बांध लिया जाए, जिसे हज किरान कहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज तमत्तो या हज किरान जो भी करो तो उसमें दमे शुक्राना देना होता है, शुक्राने की कुर्बानी करनी होती है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बयान फरमाया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद फिर इसके अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए हैं, जिनको मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह तआला फरमाता है, फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, तो जब ये शुक्राने की कुर्बानी अगर तुम्हें मैसर ना हो, आपके पास माल नहीं है वहाँ पर, तो फिर उसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया कि जिसे क़ुरबानी मैसर ना हो तो वह सलासति अय्यामिन फिल हज, तो उसको 3 दिन हज के दिनों में रोज़ा रखे, और हज के दिनों से मुराद ज़िलहज्जा की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के दरमियान में किसी भी 3 दिनों में लगातार या अलग अलग करके इंसान रोज़ा रख सकता है, और अफजल ये है 7, 8, 9। 10 तारीख को रोज़ा रखना मना है, हराम है, वह ईद का दिन है। वह फरमाए कि वह सब आती निदार रजात हूँ, और फिर 7 रोज़े उस वक्त जब आप अपने घरों को लौट आएँ, तो ये 10 रोज़े रखने होते हैं दमे शुक्र अदा ना करने की वजह से। तिल का अशरतुन कामिला, ये पूरे 10 है। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, और ये अहकाम उसके लिए, यानी हज किरान या हज तमत्ता वही शख्स कर सकता है जिसके घर वाले हरम शरीफ में नहीं रहते, मक्का मौज़मा में नहीं रहते। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला शदीद पकड़ फरमाने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग हज उम्र के अहकाम में कोताही करते हैं, उसको सही तौर पर अदा नहीं करते, तो अल्लाह ने उनकी भी तहदीद फरमा दी। इंशाल्लाह बाकी आयात के बारे में अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। वआखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।